और लखनऊ से एक बड़ी खबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह, बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सुनील पंसल इसका उद्घाटन करेंगे। पर्यटन भवन गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। सावन से गिना जाए तो 90 साल में पूरा होगा और महात्मा गांधी जी 1915 में इस देश में आए अफ्रीका से लौटने के बाद और उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन शुरू किया तो 1915 से लेकर 1947 के एक बहुत अल्प का खंड है, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन मैं समझता हूं कि इतिहासकारों ने अभी 1947 के बाद भारतीय राजनीति की दिशा और दशा कैसी रही है, भारतीय राजनीति में समाज में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, हमारे जो दलीय राजनीति है, दलीय दर्द है राजनीतिक, उनकी सोच और विचार के कारण कैसे हमारा जीवन प्रभावित हुआ है, देश की दिशा और दशा कैसे बदली है, इतिहासकारों ने बहुत कम उस पर लिखा है। और इतिहासकार प्रायः देखने में मिलता है बिल्कुल निर्मल मन से नहीं लिखते, कोई ना कोई अपनी भावना उसमें प्रकट कर देते हैं। आज इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश दुनिया और समाज में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से 1947 से पहले महात्मा गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश को दिशा देने का काम किया है और आजादी के बाद 1947 के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस तरीके से एक राजनीतिक दल का गठन किया और इस देश को एक दिशा देने का काम किया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से शुरू होकर एक इतने बड़े दल के रूप में देश में बनी है, इसका एक इतिहास होना चाहिए, इसको लोगों को पता होना चाहिए कि वो जीवन दर्शन क्या था, वो व्यक्तित्व और विचार क्या थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। मैं बताना चाहता हूं कि सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना हुई थी तो उस समय उसके बाद सामाजिक जीवन में काम करने के लिए जब भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक जाते थे तो कांग्रेस जो सत्ता में थी वो लगातार हमारे कार्यों को प्रभावित करती थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कई बार प्रतिबंध लगाए और यहां तक 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या का भी आरोप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर झूठा लगाया गया और उसके बाद एक कमीशन गठित किया गया जिस कमीशन में महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप जो संघ के ऊपर लगा था उसको निराधार पाया गया, दोष मुक्त साबित हुआ। लेकिन संघ के लोगों को लगा अगर इसी तरीके से ये लोग हमारे कार्यों को सामाजिक कार्यों को बाधित करते रहेंगे तो हम आगे कार्य नहीं कर सके, इसके लिए 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने 5 स्वयं सेवक इस दल को दिए थे जिसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तीसरे नानाजी देशमुख जी थे और चौथे सुंदर सिंह भंडारी जी थे और पांचवे जगन्नाथ राव जोशी। ऐसे 5 उत्कृष्ट कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ को दिए जिन्होंने एक नींव डाली एक ऐसे राजनीतिक दल की जिसकी आज हम देश में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, आज देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, आज देश में राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है।